देखिए गाइस, इस साधारण चलने वाले कूलर को हमने बना दिया है रिमोट कंट्रोल कूलर। इसका रिमोट हमारे हाथ में है। देखिए, जैसे ये बटन दबाएंगे तो कूलर चालू हो जाएगा, ये दबाएंगे तो बंद हो जाएगा। तो देखिए, जैसे ये दबाते हैं, देखिए गाइस कूलर चालू हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद देखिए गाइस, ये बटन दबाते हैं तो कूलर बंद हो जाता है, देखिए आप लोग देख सकते हो। सो गाइस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मिस्टर साइंस लवर। गाइस, ये आप लोग देख सकते हो, ये है एक साधारण सा चलने वाला कूलर। और इसके बाद गाइस, ये आप लोग देख सकते हो, ये है एक रिमोट कंट्रोल कार। और ये है इसका रिमोट, इस कार को आगे पीछे करने के लिए। इस रिमोट में देखिए दो बटन दिए गए हैं, इससे कार आगे की ओर चलती है और ये बटन दबाने से कार पीछे की ओर चलती है। और गाइस, आज हम क्या करने वाले हैं कि ये जो रिमोट कंट्रोल कार का सिस्टम है, इस सिस्टम की मदद से आज हम बनाने वाले हैं इस कूलर को रिमोट कंट्रोल। और गाइस, इसके बाद देखिए, जब भी हमें अपने कूलर को चालू करना होगा तो इसके लिए हमें ये स्विच इस प्रकार से नहीं घुमाने होंगे, बल्कि ये जो रिमोट है इसका बटन दबाने से ही हमारा जो कूलर है गाइस चलने लगेगा, और इसका एक बटन दबाने से हमारा कूलर बंद हो जाएगा। तो चलिए गाइस, कैसे बनता है इस कार की मदद से रिमोट कंट्रोल कूलर, ये जानने के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि गाइस साथ ही हम आप लोगों के लिए भी बताते चलेंगे। गाइस, आप लोगों के लिए इतना आसान तरीका बताने वाले हैं कि आप लोग 2 मिनट में ही अपने घर पर बनाकर तैयार कर दोगे। तो गाइस, इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारा आपसे बस एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल मिस्टर साइंस लवर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल काला पीला हरा जैसा भी आपको सब्सक्राइब का बटन दिखे उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही दबा लेना है बेल आइकन घंटी को। चलिए गाइस, तो अब बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए बताते हैं रिमोट कंट्रोल कूलर बनाना। तो देखिए गाइस, इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक रिमोट कंट्रोल कार होना चाहिए। इसके बाद गाइस, आपको क्या करना है कि आपको इस प्रकार का एक धातु का टुकड़ा ले लेना है, चाहे आप चद्दर का बना सकते हैं या किसी भी धातु का टुकड़ा ले सकते हैं। इसके बाद गाइस, आपको इस प्रकार का एक पिन ले लेना है। इसके बाद गाइस, आपको क्या करना है, आपको इतना एक वायर ले लेना है। और आपको इसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली ये जो वायर है इसमें से देखिए वायर बाहर निकाल लेना है। इसका जो ऊपर पीवीसी लगा हुआ है इसे आपको हटा देना है। तो देखिए, जैसे हमने देखिए गाइस, इसके ऊपर का पीवीसी यहाँ पर हटा दिया है। और पीवीसी हटाने के बाद हमें क्या करना है गाइस, कि ये जो वायर है इसके अंदर देखिए यहाँ पर, यहाँ से डालते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से डालने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है। देखिए, हमने यहाँ पर देखिए गाइस, इसे इस प्रकार से लगा दिया है, ठीक है। इस प्रकार से लगाने के बाद गाइस, हम क्या कहते हैं कि जो हमने ये पिन लिया था, इस पिन को इसके अंदर डाल देंगे। देखिए, हाँ देखिए गाइस, इसे इसके अंदर इस प्रकार से लगा देंगे। तो देखिए, हमने एक वायर लिया, वायर में देखिए ये चद्दर का टुकड़ा और एक पिन को इस प्रकार से लगा दिया है। अब इसके बाद गाइस, हमें क्या करना है कि हमारी जो रिमोट कंट्रोल कार है, इस रिमोट कंट्रोल को हम लेते हैं और इसे उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने के बाद गाइस, हम क्या करेंगे कि इसके बाद हमें देखिए एक इस प्रकार का टैप चाहिए जो दोनों तरफ से चिपक सके। तो इसके लिए देखिए गाइस, हमारे पास है आईबी ग्रो टैप, जो कि देखिए दोनों साइड से काम करता है, आगे से और पीछे से। तो इसके लिए गाइस, हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर इस टैप को यहाँ से काट लेते हैं जितने की हमें जरूरत है। तो हम छोटे छोटे से देखिए यहाँ पर 2 टुकड़े काट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमने 2 टुकड़े यहाँ पर काट लिए हैं। और हम क्या कहते हैं गाइस कि ये जो पहला टुकड़ा है, ये पहला टुकड़ा लेते हैं, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर इस प्रकार से चिपका देते हैं। लीजिए देखिए, यहाँ पर चिपका दिया है। और यहाँ पर चिपकाने के बाद इसके ऊपर एक पन्नी लगी हुई है, तो इस पन्नी को देखिए निकाल देते हैं, इस प्रकार से हटा दिया है और इसे यहीं पर ही चिपका रहने देते हैं। तो देखिए ये चिपक गया। इसके बाद गाइस, हमने देखिए ये जो ये वाला टुकड़ा लिया था, इस वाले टुकड़े के साथ हमें क्या करना है गाइस कि यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमें चिपका देना है। देखिए, ये हमने चिपका दिया है, ठीक है। चिपकाने के बाद गाइस, ये हमारा अच्छी तरीके से चिपक गया है। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमने ये दूसरा वाला टुकड़ा काटा था, इस दूसरे वाले टुकड़े को हमें लेना है और इसे हमें क्या करना है गाइस कि यहाँ पर देखिए ये जो चक्का है ये वाला, इसके ऊपर इस प्रकार से देखिए पिन लगाना है इस प्रकार से। और इस प्रकार से पिन लगाने के बाद गाइस, हम क्या करेंगे कि इसे पूरा का पूरा यहीं पर देखिए इस प्रकार से चिपका देते हैं। और इसके ऊपर जो पन्नी लगी है देखिए, इसे हटाने की भी जरूरत नहीं है,
लेकिन गाइस इसे थोड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर चिपकाना है, ठीक है। और देखिए गाइस हम इसे क्या कहते हैं कि इसे थोड़ी और अच्छे तरीके से चिपका देते हैं। इसके लिए देखिए हमने ये काट लिया और इसके लिए देखिए इसे आधा आधा कर लेते हैं। तो पहला तो देखिए गाइस इसे यहाँ पर इस प्रकार से चिपका देते हैं, और इसके बाद ये जो दूसरा वाला टुकड़ा है गाइस इसे इसके ऊपर से चिपका देते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर देखिए गाइस इस प्रकार से चिपका दिया है। और गाइस इसके बाद क्या कहते हैं कि यहाँ पर देखिए इस प्रकार का एक और बासर लेते हैं और इसे यहाँ पर देखिए इस प्रकार से चिपका देंगे। तो इसके लिए भी गाइस हम क्या कहते हैं कि ये जो टैप है देखिए, अब इससे क्या होगा गाइस कि देखिए अब हम इसे चालू करके देख लेते हैं किस प्रकार से काम करता है। देखिए इसका ये हमने स्विच ऑन कर दिया है, अब इसका देखिए ये वाला बटन दबाएंगे तो देखिए पीछे हो जाएगा और ये वाला दबाएंगे तो आगे हो जाएगा। देखिए और गाइस इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो स्विच है एक हिसाब से देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करता है। इसके बाद गाइस क्या करना है कि सुरक्षा को देखते हुए आपको इस प्रकार का एक डब्बा लेना है और अपनी देखिए आपके पास जो भी कार है उस कार को अपने डब्बे के अंदर रख देना है। डब्बे से देखिए गाइस और इस डब्बे को इस प्रकार से बंद कर देना है। इससे जो क्या होगा गाइस की जो सुरक्षा है करंट से सुरक्षा बनी रहेगी। डब्बे के अंदर रखने के बाद अब गाइस आपको क्या करना है कि आपके जो दो वायर ए वाले थे इसके आपको देखिए सबसे पहले तो वायर निकाल लेना है। इसके ऊपर का पीवीसी आपको हटा देना है। पीवीसी हटाने के बाद देखिए ये पीवीसी हमने हटा दिया है। तो देखिए गाइस ये है कूलर वाला वायर और ये है जो अपना रिमोट कंट्रोल सिस्टम है ये है इसका वायर। तो इसमें हमें क्या करना है गाइस देखिए इसमें इसका एक वायर हमें ले लेना है। देखिए इसका एक वायर हम लेते हैं और इसमें से एक वायर ले लेना है, कोई सा भी वायर हम ले सकते हैं। और इन दोनों वायर को देखिए गाइस एक साथ यहाँ पर जोड़ देना है। अब इसके बाद देखिए गाइस टैप लगाने के बाद अब हमारे पास खाली दो वायर बचे हुए हैं। और गाइस एक हिसाब से ये समझिए कि हमारा जो सिस्टम है पूरा का पूरा बनकर तैयार हो चुका है। ये जो दो वायर हैं इसे हमें लाइट में लगा देना है, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में। चलिए तो दोनों वायर को लाइट में लगा देते हैं। इसके बाद फिर जो कूलर हमने बनाया रिमोट कंट्रोल इसे ट्राई करके देखते हैं किस प्रकार से ये काम करता है। तो देखिए गाइस ये जो वायर है इसे लाइट में लगाने से पहले हमें क्या करना है, एक कार में यदि आपका बंद चालू करने का सिस्टम है तो इसे आपको ओपन कर ले ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद गाइस आपको क्या करना है कि ये जो वायर है देखिए ये जो वायर है इसके बाद अब आपको लाइट में लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये जो वायर है गाइस लाइट में हम लगा देते हैं। लीजिएगा गाइस ये लाइट में लग चुके हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमारा जो लाइट वाला वायर है वो भी लग चुका है। यानी और गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भी काम हम कर रहे हैं पूरी सुरक्षा और सावधानी के साथ कर रहे हैं। आप लोग ऐसा कुछ भी घर पर ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। चलिए अब इसे चालू करके देखते हैं। तो देखिए गाइस हमारा जो देखिए ये रिमोट है और इस रिमोट को हम जैसे ही चालू करेंगे तो हमारा जो कूलर है चलने लगेगा। तो देखिए देखिए हमारा जो कूलर है गाइस चलना शुरू हो चुका है। अब एक बार गाइस इसे क्या कहते हैं कि बंद कर देते हैं। देखिए हमारा कूलर बंद हो चुका है। चलिए गाइस अब आप लोग बिल्कुल नजदीक से देख लीजिए कि हमारा जो रिमोट कंट्रोल वाला कूलर है वो किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा कंट्रोलर है और यहाँ पर देखिए ये वायर लाइट में दोनों साथ में देखिए लगे हुए हैं जैसे हमने बताए थे। इसके बाद देखिए गाइस जैसे ये बटन दबाएंगे देखिए हमारा कूलर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग ये कूलर देखिए अभी देखिए बंद पड़ा हुआ है, यहाँ से देख सकते हो बंद है। और देखिए गाइस जैसे ही हम यहाँ पर देखिए रिमोट को दबाएंगे, देखिए ये रिमोट को दबाया हमारा कूलर देखिए गाइस चालू हो चुका है, जो कि आप लोग देख सकते हो ये हो चुका है चालू। और देखिए इसे दबा देंगे तो बंद हो जाएगा। देखिए देखिए ये कूलर बंद हो चुका है। और देखिए गाइस एक बार और हम देखते हैं ये हमारा रिमोट है और इसे देखिए हमने चालू किया हमारा कूलर देखिए गाइस चालू हो चुका है। देखिए ये चालू हो चुका है आप लोग देख सकते हो, और जैसे ही इसे दबाएंगे तो बंद हो जाएगा। देखिए ये कूलर बंद हो चुका है आप लोग देख सकते हो। अब देखिए गाइस इसे देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम है कितने दूर से काम करता है। तो देखिए गाइस हम क्या कहते हैं कि ये जो माइक है माइक को हम यहाँ पर लगा देते हैं ताकि जब कूलर चालू हो तो कूलर की जो आवाज़ है मोबाइल में रिकॉर्ड हो सके। अब हम चलते हैं दूर, हो सकता है गाइस कि हमारी जो आवाज़ है आप लोगों के लिए स्पष्ट सुनाई ना दे लेकिन यहाँ पर दिखाई तो दे ही सकती है। तो यहाँ पर देखिए रिमोट लेकर हम दूर जा रहे हैं और देखिए गाइस यहाँ पर कितने दूर हम आ चुके हैं। अब देखिए गाइस यहाँ से हम कूलर को चालू करते हैं तो देखिए यहाँ पर देखिए गाइस
बंद भी हो चुका है और इसे दबाएंगे एक बार देखिए हमारा और गाइस इस सिस्टम को अब आप लोग एसी लाइट में गाइस कहीं पर भी लगा सकते हो। आप लोग चाहो तो गाइस इससे बल्ब बंद चालू कर सकते हो, यानी गाइस पंखा कूलर जहां पर भी लगाना चाहो वहां पर लगा सकते हो। और तो और गाइस आप लोग अपनी मोटर को भी रिमोट कंट्रोल चला सकते हो। तो गाइस ये वीडियो यदि आप लोगों के लिए पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और गाइस हमारा ये रिमोट कंट्रोल कूलर कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं।